अमेरिका में ना कुछ लड़के फंसे, अमेरिका में कुछ लड़के जो फंसे हुए हैं जो इलीगल तौर पे जो है एजेंटों ने उनको भेजा था, 50-50 लाख रुपया तकरीबन खर्चा करके वो बाहर गए हैं और वहाँ से डिपोर्ट उनको किया जा रहा है, उन पे एक्शन लिया जा रहा है, तो क्या बिल्कुल वो बताएं जिन लोगों ने बिना किसी कानून के खिलाफ वहाँ भेजे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हमारे कुछ नहीं लगते। तो आप उनको वापस लाने के लिए भी कुछ डिप्लोमेटिक तौर पे भी कुछ कर रहे हैं? वो सुषमा जी को मैं बेनती करूँगा, हिंदुस्तान की विदेश मंत्री हैं, उनको सारा करना चाहिए, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर हर भले के लिए पंजाबी के लिए हर कुछ करना चाहते हैं जो करना चाहिए। हाँ उन्हें अफसोस है, उन्हें पता लग गया, बड़ा मन में दुख लग गया, कांग्रेस पार्टी का सीनियर लीडर सी कि उन्होंने मौत को सुन के असी साड़ी खाना खा रहे सी मजा किरकिरा होया, और मैं अपने दिल दी गहराइयों तो शरदा की फुल पेट कर सकता, परमात्मा अगे अरदास करदा उन्होंने अपने चरणा च निवास बख्शे, पिछे परिवार को भाणा मनण का बहुत बख्शे। ये सियासी नौटंकी है और वोटों का चक्कर है, और ये सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे ये वोटे बटोरने के लिए लोगों के सेंटीमेंट भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक हज़ारों टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे हुई है, यूपीए की सरकार पे हज़ारों टाइम सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और मोदी जी देश को मोशन के रूप में यूज़ करते हैं और वोट बटोरने के लिए ये सारा धंधा कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं मोदी जी। देखिए इस पे एसटीएफ ऑलरेडी गठन हुई है और एडीजीपी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है, उनके परिवारों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो तुरंत एप्लीकेशन जो है वो लोकल एसएसपी को दें और सरकार इस पे गंभीरता से विचार करेगी और कार्रवाई करेगी। सिंगला जी साढ़े सियासत की दुनिया के पितामा गिने जाते, और सुरिंदर सिंगला जी 2002-2007 के दौरान जो पंजाब बहुत क्राइसिस के अंदर से उन्होंने उभारिया और पंजाब की इकोनमी उभारिया, पंजाब की तरक्की ते योगदान दे विच सुरिंदर सिंगला जी का अहम योगदान है, वो कदे भी ना पूरा होने वाला घाटा है, पंजाब कांग्रेस इस घाटे को अपना परसनल घाटा महसूस करती है और पंजाब के लोग इनू सब तो बड़ा दुख मनते। मी एंड द आर्मी डजंट एक्ट पॉलिटिकली, नेवरदलेस आई हैव टू सी दिस द पिक्चर्स बिफोर आई कैन कमेंट। आज मुझे तो यहीं रवीन ने बताया था जब मैं बैठा था कि टेलीविजन पे आ रहा है, एक बार मैं देख लूं देन आई विल सर्टेनली गिव अ स्टेटमेंट। सर यू हैव मेंशनड अबाउट द ड्रग प्रॉब्लम इशू, सो व्हाट हाउ विल टेक इट, हाउ टू डील। सी टुडे हेरोइन फ्रॉम 1200 ऑन द स्ट्रीट हैज गॉन टू 6,000-7,000 रुपीस, सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज समथिंग एल्स। एज समबडी स्पोक एंड टोल्ड यू, there is this de-addiction drugs which are given to people, they should be given in by the doctor in his presence, he probably gives it to them to jaake ye goli kha le, what they are doing is they are taking those de-addiction drugs, they are liquefying them and injecting themselves, that is adding to this problem. So while we are going to now I am going to insist on the doctors giving this medicine in their presence. थैंक यू। 1000 बंदे जड़े नशे बेच रहे से वो आज जेल च ने, साढ़े जेड़े आज हेरोइन है चिट्टा कहते हैं वो स्ट्रीट का जोड़ा प्राइस है 1200 रुपए तो हूँ 6-7 हज़ार पहुँच गया, मीनस के प्रेशर है उसके तो इज़ नॉट अवेलेबल। जेडे हूने लड़के कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, जेडे डी एडिक्शन वास्ते गोलियां देंगे ने ना, डॉक्टर शुड गिव इट इन हिज प्रेजेंस, ये लिजा रहे ने घर, वो भी वो भी नशा होंगे ना टू काउंटर दी अदर नशा, और उन्होंने घोड़ के अपने इंजैक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वेयर द डेथ्स आर टेकिंग प्लेस। सो असी हूँ इंसिस्ट करा कि कोई भी डॉक्टर जो दिता है
अपने सामने खवाया उन्होंने। सीएम साहब विरोधी धड़ा है कह रहे हैं कि सरकार जिहड़ी है सिर्फ पॉलिसी बना रही है ते हजे तक काम नहीं हो रहे। केड़ी पॉलिसी दी? पॉलिसी बनाई जा रही है माइनिंग नु लेके, पॉलिसी बनाई जा रही है। एवरीथिंग इज हैपनिंग। सारा एक दिन तक नहीं कर सकते।